अच्छा, एक और हमारा बच्चा है, वो आया नहीं है, ठीक है, तो उसका मेरिट जो है वो हम दे देते हैं उसके टीचर को। ठीक है जी, आ जाओ भाई उदयत भाई। बहुत बहुत मुबारक हो आपको मौलाना साहब। इधर चलो। अच्छा, पिक्चर ले लें। देना भी होता है, देना होता है, देना होता है। यार उदयत जो है वो मेरे बच्चों की तरह, ठीक है, और पिछले 3 साल से एज एन असिस्टेंट मेरे साथ काम किए जा रहा था। उसको हमने जो है वो इस दफ़ा कंपनी लॉ में मौका दिया, और माशाल्लाह एक जब नया टीचर आता है तो उसके पास बहुत सारी चीज़ें प्रूव करने के लिए स्कोप होता है कि यार वो अपने आप को प्रूव करें। ठीक है, तो इससे माशाल्लाह सबसे अच्छा काम ये किया कि नए टीचर को मशहूर होना पड़ता है तो खिदमत करता है, तो इसने बच्चों की ऐसी खिदमत की है लास्ट टाइम कि बच्चे इसने 70 पढ़ाए, लेकिन एंड में इसके पास ग्रुप में कोई तकरीबन 350-400 बच्चा हो गया था। तो मैंने कहा भाई खिदमत करो, जो सवाल पूछ रहा है जवाब दो, इस वक्त लग जाओ बच्चों के साथ। उसका नतीजा ये निकला कि एक बच्चा जो है वो पंजाब से पढ़ रहा था हमसे, और वो मतलब ऑब्वियसली बात है कि वो फिजिकल आगे उससे नहीं पढ़ा, तो उसका मेरिट आ गया। उससे हमने पूछा है, उसने कहा सर मैंने आखिरी के 2 महीने जो है वो सर की क्लासेस ली हैं, और आखिरी 2 महीने में मैंने कंपनी लॉ शुरू किया, और 2 महीने में मैंने पास किया, और उसके कंपनी लॉ में माशाल्लाह मेरिट आ गया। तो उदयत, इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, बल्ब लेके हैं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि इट वाज माय फर्स्ट एवर बैच ऑफ कैफ 7 कंपनी लॉ, और अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी इसमें, और अल्लाह का शुक्र है कि एक मेरिट सर्टिफिकेट भी आया। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी जब बैच स्टार्ट किया था पढ़ाना, क्योंकि माशाल्लाह जिस तरह आप लोग भरी हुई क्लास होती है, मेरी क्लास बिल्कुल इस तरह की नहीं होती थी, लेकिन सर ने मोटिवेट रखा। कोई मसला वाली बात नहीं है, अगर बच्चे फिजिकल नहीं आ रहे, नहीं पढ़ रहे हैं, तुमने उतनी ही एनर्जी से पढ़ाना है जितनी एनर्जी से मैं भरी हुई क्लास में पढ़ाता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। सर जो है वो मोटिवेट करते रहे, और अल्लाह का शुक्र है कि मतलब किसी चीज़ में जो है कभी भी फंसा हूँ, गाइडेंस सही होती थी। बीइंग असिस्टेंट सर के साथ 3 साल लगाए, और जितनी भी मेरी स्किल्स हैं पॉलिश करने में, आज जहाँ भी मैं हूँ उसमें सर का हाथ है। जितने मेरे कैफ पास हुए हैं, जितने मेरे सीफेप में पेपर पास हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही बैच में जो मेरिट आया है, इस सब का क्रेडिट सर को जाता है, ठीक है, क्योंकि सर की मेहनत है, सर की गाइडेंस है, इसकी बात है। क्योंकि मतलब जब मैंने अनाउंस हुआ कि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो मुझे आज भी याद है जिस पोस्ट जब लगी थी ना, तो उस पर तकरीबन कोई 40 से 45 लोगों ने से बाहर रिएक्ट किया था, और वो देख के मुझे बड़ा अफसोस भी होता था कि यार एक तो पढ़ाने आया हूँ इतनी मेहनत से और वो लोग हंस रहे हैं, लेकिन जब मेरिट आया तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह एक भी हाहा रिएक्ट नहीं था। ठीक है जी, तो ये हाहा रिएक्ट किया तो अल्लाह का शुक्र है। बाकी आई हैव नथिंग टू से, और बस आप लोगों के लिए भी एक ओपन अपॉर्चुनिटी है कि इस सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ दोनों देख रहा हूँ। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी किस्म का मसला हो, परेशानी हो, पढ़ना हो, लेक्चर सही हो, आई एम हेयर, आई एम अवेलेबल। जैसे सर ने कहा खिदमत के लिए लास्ट टाइम भी हाजिर थे, इंशाल्लाह इस बार भी हाजिर हैं, एंड फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, और आप लोग एडमिनिस्ट्रेटर से भी रब्ता कर सकते हैं। वंस अगेन सर के लिए एक बहुत सारा ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। सर की वजह से जो है अलहम्दुलिल्लाह आज इस मकाम पे हूँ, एंड वे टू गो इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बेटा।